का आस्था के महापर्व छठ पूजा की आज से नहाई खाई के साथ शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर बलिया के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही। वहीं घाटों पर लोगों ने बेदियों को बनाकर अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। तो देखिए तस्वीर, नहाई खाई के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और अलग अलग जगहों पर इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। घाटों को देखिए किस तरह से सजाया जा रहा है, साफ सफाई की भी खास यहां पर ध्यान रखी जा रही है। और ये तस्वीर देखिए, बेदिया बनाकर जो अपना घाट है उसे सजाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। तो बलिया के बाजारों में भी छठ महापर्व को लेकर रौनक नजर आ रही है और चार दिन तक छठ महापर्व मनाया जाएगा। आज नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। व्रतियों ने सूर्य की पूजा अर्चना की, नहाए खाए, उसके बाद खरना और फिर पहला अर्घ और फिर दूसरे अर्घ के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता अंबिकेश्वर जुड़ रहे हैं और आपको बताते चले। और हमारे साथ सोनू जुड़ गए गाजियाबाद से। सोनू, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है बाजारों में? जाहिर तौर पर रौनक होगा छठ महापर्व को लेकर, बताएं किस तरह से तैयारियां गाजियाबाद में छठ महापर्व को लेकर? जी बिल्कुल, लगातार छठ महापर्व की आज शुरुआत हो गई है। छठ महापर्व को लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। मेरे आप तस्वीरों में देखिए, मेरे पीछे ये घाट बनाया गया है और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, जो छठ महापर्व की तैयारी को लेकर प्रशासन की तरफ से तैनात हैं। लगातार जो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं छठ महापर्व को लेकर, आज खाए नहाए से इस पर्व की शुरुआत हो गई है और लगातार 70 पॉइंट बनाए गए हैं। अलग अलग जगह पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, अग्निशमन की जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं, साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, बिजली की व्यवस्था की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहे, इसी बीच ये बड़ी जानकारी पहले दर्शकों को पहुंचाते चले।